हेलो माय डियर स्टूडेंट, यू आर अगेन वेरी वेरी वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AKS क्लासेस। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग ने क्या पढ़ रहा था, पीरियडिक प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स। ठीक है, तो लास्ट सेशन में हम लोग ने क्या पढ़ लिया, अबाउट एटॉमिक रेडियस। ओके, एंड वी ऑल्सो डिस्कस वेरियस टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस। ठीक है, डेट वॉज ए टेबल टॉक वीडियो। आई थिंक उस वीडियो का कुछ पोर्शन काट गया हुआ था ना, तो अगर तुम लोगों को अभी भी उस वीडियो में कुछ भी डाउट है, कुछ भी मतलब मैं अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं उस वीडियो को फिर से बनाओ, ओके डो कॉमेंट, ओके और लेट मी नो, आई विल ट्राई टू मेक अनदर वीडियो ऑन दैट टॉपिक। बट रिमेंबर, एटॉमिक रेडियस is very important concept, okay, and from that concept every year one or two question are asked, मतलब वो टॉपिक के ऊपर तुम लोगों का क्या होगा, बेस फॉर्म होगा। अगर तुम्हारा वो बेस ही नहीं रहा तो then you will not be able to think at higher level। ठीक है, तो चलो वो सब छोड़ो, आज हम लोग क्या करते हैं, फिर से एक नया टॉपिक, एक मज़ेदार टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट इज आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन, वीडियो का थंबनेल देख के पता चल गया होगा, व्हाट इज दैट, दैट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी, जिसको इन शॉर्ट आई भी कहा जाता है। ठीक है, आई आयनाइजेशन एंथैल्पी और आयनाइजेशन एनर्जी भी कह सकते हो, और कभी कभी इसको क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, तो डोंट बी कन्फ्यूज विथ दिस थ्री टर्म, आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, तो चलो बिना देरी करके स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। ओके, बिफोर आई स्टार्ट आई वॉन्ट यू ऑल टू टेक ए पेन एंड पेपर एंड राइट डाउन द इम्पॉर्टेंट पॉइंट डेट आई विल एक्सप्लेन हियर। ठीक है, तो चलो आज का हम लोग का टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो सबसे पहले मुझे बताओ व्हाट इज आयोनाइजेशन, आयनाइजेशन है होता क्या है, मतलब तुम ये तो बताए व्हाट इज आयन, आई ओ एन स्पेलिंग हो क्या, ओके आई ओ एन, व्हाट इज आयन ये तो पता है, एक पॉजिटिव आयन होता है, एक नेगेटिव आयन होता है। पॉजिटिव आयन का हम लोग हमेशा क्या बोलते हैं, कैटायन, एंड नेगेटिव आयन इज कॉल्ड एनायन। ओके, तो चलो एक्चुअली वो सब कंसेप्ट नहीं है, कुछ और है, व्हाट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी वो हम लोग देखेंगे। सपोज एक एलिमेंट है, ये कैसा वाला, सॉरी एटम है, कैसा वाला एटम, गैसियस एटम, इट शुड बी ए गैसियस एटम। सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये एटम कहना कैसा होना पड़ेगा, आइसोलेटेड एटम, आइसोलेटेड एटम केसियस होना पड़ेगा, उसके बाद ये आइसोलेटेड होने पड़ेगा। और नंबर थ्री में याद रखो, इट ये कोई आयन नहीं होना पड़ेगा, मतलब ये पूरा न्यूट्रल, न्यूट्रल होना पड़ेगा। ठीक है, न्यूट्रल एटम, कैसा वाला एटम, गैसियस, आइसोलेटेड एंड न्यूट्रल। क्यों है, देखो अगर तुम किसी का पावर, किसी का मतलब कैपेबिलिटी तुम मिजा करना चाहोगे तो क्या उसको काम अकेले करना देना कर, मतलब कर देना, करने देना पड़ेगा। ठीक है, तब यू देन विल गेट द एग्जैक्ट कैपेबिलिटी ऑफ दैट पर्सन और दैट इंडिविजुअल। ठीक है, सपोज तुम्हारा मम्मी पापा क्या करना चाहते हैं, कौन ज़्यादा आम खा सकता है, तुम और तुम्हारा भाई, तो दोनों को एक साथ एक मतलब प्लेट में अगर आम दे दिया तो दोनों एक साथ खा लोगे, तो हम मम्मी पापा को पता तो नहीं चलेगा किसने ज़्यादा आम खाया, इसलिए क्या करना पड़ेगा, दोनों को अलग अलग मतलब प्लेट में अलग अलग जगह में बिठा के आम खाने देना पड़ेगा, तब पता चल जाएगा ना कौन ज़्यादा आम खा पा रहा है। ठीक है, तो ठीक उसी तरफ मतलब हम लोग H2 ऐसे करके नहीं, HCl इसका नहीं, हम लोग क्या करेंगे, सपोज हम लोगों को कंपेयर करना है हाइड्रोजन और क्लोरीन, किसका मतलब आयनाइजेशन पावर ज़्यादा है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इन लोगों को अलग अलग करके लेंगे। इसलिए हमेशा आयनाइजेशन एनर्जी आइसोलेटेड एटम के लिया जाता है। और ये गैसियस क्यों, ठीक है देखो आई थिंक तुम लोग ये तो इतना तो बढ़ के आए हो, तो गैसियस में एटम क्या है, दूर दूर में रहते हैं, पार्टिकल्स दूर दूर में रहते हैं, लिक्विड में थोड़ा पास और सॉलिड में तो पूरा चिपक के रहते हैं। यू कैन सी दिस चौक, यहाँ पे क्या जो पार्टिकुलर वेरी क्लोज है कि नहीं, तो इसलिए उसमें भी प्रॉब्लम है। और न्यूट्रल क्यों,
क्योंकि ऑलरेडी आयन हो चुका है ना, तो उसको और क्या आयनाइज करने का ज़रूरत है। इसलिए हम हमेशा हम लोग एक ऐसा वाला क्या लेंगे, एटम लेंगे। ओके, तो नाउ चेक व्हाट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी। देखो ये एक क्या है, एटम है। अगर तुम क्या करोगे, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना चाहते हो, दैट व्हाट अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड। ओके, मतलब यहाँ पे तुम्हें क्या अप्लाई करना पड़ेगा, एनर्जी अप्लाई करना पड़ेगा, देन ओनली यू एबल टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन। और ये तो सबको पता है, किसी चीज से एक इलेक्ट्रॉन अगर रिमूव हो गया तो हमेशा पॉजिटिव माना जाता है, ठीक है। ओके, देखो कोई भी चीज़ अगर न्यूट्रल है, वो को भी मतलब चार्ज लेना चाहेगा क्या, नहीं चाहेगा ना। इसलिए क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू अप्लाई हीट, वी हैव टू अप्लाई एनर्जी, देन ओनली इट विल गिव वन इलेक्ट्रॉन। अगर ये वन इलेक्ट्रॉन दे दिया, उसके लिए जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिएगा, दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। ओके, और हमेशा याद रखना है, दिस आयनाइजेशन एनर्जी इज डेनोटेड बाय डेल्टा एच, ठीक है। डेल्टा, दिस इज डेल्टा, ये ऐसा वाला जो ट्राइंगुलर शेप होता है, दिस इज डेल्टा एंड एच मीन्स हीट। ओके, एंड इन द लैंग्वेज ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स, तुम लोग को पढ़ने को मिलेगा बाद में, इट इज कॉल्ड एंथैल्पी। ओके, चेंज इन एंथैल्पी एंड दिस इज नथिंग बट हीट। हो गया, तो चलो आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा व्हाट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी, लिख लिया। ओके, तो चलो देखते हैं ये जो एनर्जी है ना, इस एनर्जी का मतलब यूनिट क्या होता है, मतलब आयनाइजेशन एनर्जी का यूनिट। तो लिखो यूनिट ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। तो नॉर्मली दिस द यूनिट ऑफ दिस आयनाइजेशन एनर्जी इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ओके, व्हाट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आई थिंक यू नो व्हाट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको इसको नहीं आता है, लिख लो, वन इलेक्ट्रॉन बॉल इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10^-19 जूल, ठीक है। एंड जूल इज द यूनिट ऑफ व्हाट, एनर्जी। ओके, गॉट इट। अगर इसको पता नहीं है तो देन आई थिंक यू विल बी लर्न इन फिजिक्स, ओके, इन द इंट्रोडक्टरी क्लासेस। ओके, चलो सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज सक्सेसिव, राइट, सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पीज, आयोनाइजेशन एंथैल्पीज। में बार बार पूरा फॉर्म नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आई आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो व्हाट इज सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी, फर्स्ट टेल मी व्हाट इज सक्सेशन, ओके, और व्हाट इज सक्सेसर। आई थिंक यू गॉट इट, व्हाट इज सक्सेशन और व्हाट इज सक्सेसिव। देखो एक एटम है, तुमने क्या क्या यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, तो उसके बाद तुम्हें क्या मिला, एम प्लस मिल गया। लेकिन तुम क्या चाहते हो, नहीं मैं इससे और भी एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना चाहते हो, तो देन यू विल गेट व्हाट, एम टू प्लस, नहीं मुझे और भी रिमूव करना है, देन ये क्या हो जाएगा, एम थ्री प्लस, ठीक है। तो इसके लिए भी एक एनर्जी चाहिएगा, तो दैट विल बी नोन एज आई यू वन। इसके लिए भी एक एनर्जी चाहिए होगा, दैट इज विल बी नोन एज आई टू, एंड दिस विल बी आई थ्री, आई वन आई टू आई थ्री। कोई भी एक एटम से इफ यू वांट टू रिमूव इलेक्ट्रॉन सक्सेसिवली, मतलब एक के बाद एक करके, फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऐसा करके जा सकते हो, ये जो एनर्जी होता है ना, दीज आर नोन एज सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। और अगर तुम्हें यू आर आस्क्ड हुइस वन विल बी द अमाउंट ऑफ हुइस एनर्जी विल बी द हाइस्ट, किसका वैल्यू सबसे ज़्यादा होगा, तो हुइस वन हमेशा याद रखना है, इन केस ऑफ सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा इन ऑल केसेस, जैसे कि केमिस्ट्री में बहुत सारा क्या होता है, एक्सेप्शन होता है, लेकिन इसमें कोई भी एक्सेप्शन कभी भी वैलिड नहीं होगा, ठीक है। हमेशा याद रखना, दिस इज द ट्रेंड ऑफ सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी, और ये हमेशा इन एवरी कंडीशन दिस विल बी वैलिड। मतलब फास्ट आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा हो, ये मैं उल्टा लिखा,
इसे लिखो, ठीक है। सबसे ज़्यादा किसका होगा? लास्ट वाला। मैं एक एग्जांपल देके लेके मतलब तुम लोगों को समझाता हूँ। पहले इसको राइट लिख लो, 1 2 3 हो गया, ओके। तो चलो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, उसके बाद मैं इसको समझाता हूँ। सपोज ये क्या है, दिस इज योर, मैं सपोज एक भरा कर ले, दिस इज योर होम, ओके। ए होम क्या है ये, और ये है तुम्हारा, सपोज दिस इज योर रूम, और रूम के अंदर ये क्या है, तुम्हारा टेबल है, और ये सपोज तुम्हारा बाउंड्री वॉल है, ठीक है, बाउंड्री वॉल है। और मैं क्या हूँ, मैं एक थीफ हूँ, आई वॉन्ट टू एंटर योर होम, ठीक है। तो ये जो बाउंड्री वॉल के यहाँ पे मतलब घर का सबसे, देखो ये जो बाहर में जो सामान रहेगा बाउंड्री वॉल के, वहाँ ये सामान मैं एकदम इजीली ले सकता हूँ, मतलब कुछ प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद ये बाउंड्री वॉल और ये घर के बीच में जो प्लेस है, वहाँ पे अगर कुछ सामान रहा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये बाउंड्री वॉल को क्रॉस करके अंदर घुसना पड़ेगा, तभी मैं ये सामान ले सकता हूँ। मतलब फास्ट वाला से सेकेंड वाला लेने के लिए मुझे ज़्यादा एफोर्ट देना पड़ रहा है, ओके, ठीक है। सब उस मैंने ये भी ले लिया, उसके बाद मुझे क्या करना है, घर के अंदर में घुस के मुझे यहाँ पे कुछ तुम्हारा टीवी फर्नीचर वर्नीचर कुछ है वो सब लेना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर से घर का ये जो वॉल या घर का जो दरवाज़ा वो तोड़ना पड़ेगा, उसके बाद ही अंदर घुसना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे रिस्क, यहाँ पे एफोर्ट, यहाँ पे एनर्जी क्या हो रहा है, और भी ज़्यादा, ठीक है। सपोज मैंने ये भी ले लिया, उसके बाद मुझे तुम्हारा रूम में घुस के तुम्हारा टेबल के ऊपर तुम्हारा जो आईफोन है, तुम्हारा जो वन प्लस मोबाइल है वो मुझे लेना है, तो क्या करना पड़ेगा, मुझे लाइफ का सबसे हाईएस्ट एफर्ट यहाँ पे देना पड़ेगा, हो गया। तो इसके लिए इसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगा, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल से मुझे, हम लोगों को क्या समझ में आया, जो फास्ट इलेक्ट्रॉन होता है ना, उसको हम लोग आसानी से ले सकते हैं। उसके बाद धीरे धीरे जितना भी हम लोग अंदर घुसने चाहेंगे, उतना ज़्यादा ये क्या होते रहेगा, ये अमाउंट ऑफ एनर्जी ज़्यादा होते रहेगा, ठीक है। हमेशा याद रहेगा ये चोर पुलिस का खेला, अगर ये हमेशा याद रहेगा तो तुम्हारा बोर्ड का रिजल्ट अच्छा होना तो पक्का है। उसके साथ साथ भी जो डॉक्टर और इंजीनियर होने का सपने देख रहे हो वो भी फुलफिल होने जा रहा है, हो गया। तो चलो हम लोग ने क्या पढ़ लिया, वी हैव स्टडीड व्हाट इज आयनाइजेशन एनर्जी एंड व्हाट इज सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी, हो गया। तो चलो नाउ वी लर्न द वेरियस फैक्टर्स अपन व्हिच दिस आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड्स, मतलब क्या क्या, लिखो हेडिंग लगाओ, फैक्टर्स ऑन व्हिच आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड्स, क्या क्या फैक्टर्स के ऊपर ये डिपेंड करता है, क्या क्या फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, कौन बोलेगा, ठीक है। तो जो फास्ट और जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो हम लोग लास्ट लेसन में डिस्कस किया, दैट इज व्हाट, एटॉमिक साइज, ठीक है, एटॉमिक साइज के ऊपर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले मुझे बताओ किसको इसको याद है, पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक साइज कैसे वेरी करता था। सपोज ये लेफ्ट टू राइट है इन द पीरियोडिक टेबल इन ए पीरियड, तो लेफ्ट टू राइट जाने से पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक साइज क्या होता था, एटॉमिक साइज डिक्रीज होता था, ठीक है। एंड फ्रॉम टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज क्या होता था, एटॉमिक साइज इंक्रीज होता था, ठीक है। तो हमेशा याद रखना है, किसी भी मतलब सपोज दिस इज ए न्यूक्लियस, ये एक न्यूक्लियस है और ये एक शेल है, और ये एक न्यूक्लियस है, सपोज ए और शेल है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो तुम कहाँ से इलेक्ट्रॉन इजीली ले पाओगे, जो तुमसे बहुत दूर में है, क्योंकि यहाँ पे जो अट्रैक्शन होगा ना, दिस विल बी लेस एज कम्पेयर टू द अट्रैक्शन बिटवीन दिस, ओके। एक्चुअली इस ये जो चार्ज, देखो ये पॉजिटिव है
सपोज इसको हम लोग Q1 चार्ज लेते हैं, एक हम लोग Q2 चार्ज लेते हैं, दिस इज टू चार्ज ना, तो इन लोगों का बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एंड व्हाट विल बी द वैल्यू, तुम लोग ये वैल्यू भी जान सकते हो, सपोज के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ठीक है, बाय अप्लाइंग दिस फोर्स यू कैन ऑल्सो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दिस न्यूक्लियस एंड दिस इलेक्ट्रॉन, एंड दिस टाइप ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टेटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, सपोज दिस इज ए कॉन्स्टेंट Q1 एंड Q2, मतलब इसका जो चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है, और R क्या है, इन दोनों का बीच में जो दूरियां है, मतलब जो डिस्टेंस है। ओके, ये हम लोग यहाँ पे नहीं चाहिए, यू विल बी लर्न दिस इन फिजिक्स इन लेटर ऑन। ओके, तो चलो हम लोग को क्या पता चल रहा, फिर मतलब आयनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज, ठीक है, मतलब साइज जितना छोटा होएगा उसका आयनाइजेशन एनर्जी उतना ज़्यादा होगा। तो मुझे बताओ पीरियोडिक टेबल में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी नॉर्मली क्या होना पड़ेगा। ओके, हम लोग देखेंगे एक एक करके, उसका वेरिएशन भी देखेंगे। तो ये था फर्स्ट फैक्टर, तो सेकेंड फैक्टर लिखो, लिख लो, दिस इज नंबर वन, वीडियो को पॉज मार के लिख लो। देन सेकेंड फैक्टर, राइट द सेकेंड फैक्टर, व्हाट इज सेकेंड फैक्टर, सेकेंड फैक्टर इज न्यूक्लियर चार्ज। मैंने लास्ट वीडियो में बताया व्हाट इज न्यूक्लियर चार्ज, राइट इट डाउन, न्यूक्लियर चार्ज, व्हाट इज न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज को तुम लोग सिंपली क्या बोल सकते हो, जेड, वाई जेड, जेड मतलब क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है, क्या होता है, एटॉमिक नंबर, एंड एटॉमिक नंबर इज नथिंग बट व्हाट, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ओके, देखो हम लोगों को क्या पता है, इन आवर पीरियडिक टेबल जब भी हम लोग यहाँ से यहाँ तक जाते हैं, सपोज लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो क्या होता है, नंबर ऑफ मतलब एटॉमिक नंबर क्या होता है, इंक्रीज होता है, एटॉमिक नंबर तो इंक्रीज होते रहते हैं, दैट मीन्स न्यूक्लियर चार्ज ऑल्सो व्हाट इंक्रीज। मैं एग्जाम्पल लेके दिखाता हूँ, सपोज बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, इसका कितना है 4, इसका 5, 6, 7, 8, 9, ये हो गया 10, ठीक है। तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट व्हेन वी इंक्रीज देयर एटॉमिक नंबर आर इंक्रीजिंग, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने से इन लोगों का क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी इंक्रीज होगा और न्यूक्लियस में उन लोगों का चार्ज भी ज़्यादा होगा। देखो हम लोगों को क्या पता है, इन ए पीरियड सबके नंबर ऑफ शेल क्या होते हैं, सेम ही रहते हैं, सबके पास नंबर ऑफ शेल इज सेम, लेकिन क्या हो रहा है, जब भी हम लोग यहाँ से आ जा रहा हो, यहाँ पे नंबर ऑफ जो चार्ज है वो न्यूक्लियस में इंक्रीज होते जा रहा है, अगर चार्ज इंक्रीज होते जा रहा है दैट मीन्स इन लोगों का जो अट्रैक्शन होगा इन लोगों का बीच में वो भी ज़्यादा होते जा रहा है, ठीक है। सपोज इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसमें चार्ज कितना है, सपोज इसमें चार्ज है 8 प्रोटॉन, इसमें है 6 प्रोटॉन, तो किस में ज़्यादा अट्रैक्शन होगा, जिसमें चार्ज ज़्यादा होगा उसमें अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, तो व्हाट कैन यू राइट, इसलिए यू कैन राइट आयनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज, आयनाइजेशन पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द न्यूक्लियर चार्ज, एक्चुअली समझ में आ गया। ओके, चलो इसको भी लिख लो, वीडियो को पॉज मार के, उसके बाद हम लोग थर्ड नंबर जो फैक्टर है वो डिस्कस करते हैं। तो चलो थर्ड नंबर फैक्टर क्या है, थर्ड नंबर फैक्टर इज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। आई थिंक अभी तक सबको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे लिखना है वो आ गया होगा, ठीक है। तो राइट द थर्ड फैक्टर्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो
सबको पता है शायद व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अभी भी अगर किसी को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत है, तो हम लोगों का लाइव क्लास शुरू होने जा रहा है आफ्टर 1 or 2 days, तो देन वी विल डिस्कस दैट वेरी वे, ओके, वेरी गुड वे, ओके। चलो, हमें क्या पता है, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था उनमें एक टाइप का, दो टाइप का कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग क्या मानते थे, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मानते थे। वो कैसे थे, एक थे हाफ फिल, एक था हाफ फिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और एक था फुल फिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फुल्ली फिल। ठीक है सर, फुल्ली फिल। देखो, ऑर्बिटल कितना था, एस पी डी एफ। नॉर्मली एस में, एस का शेप कैसा था, ऐसा, पी का कैसा है, ऐसा, डी 1 2 3 4, 1 2 3, और इसका कितना है, 7, 1 2 3 4 5 6 7, हो गया। देखो, अगर इसमें एक दे दिया, सब में एक एक करके दे दो, एक एक करके दे दो, एक एक करके दे दो, एक एक करके दे दो सबको, 1 1 1 1 1। लेकिन व्हाट वी नो दिस हैव द कैपेबिलिटी और एबिलिटी टू टेक 2 इलेक्ट्रॉन इन दिस वन, ओके। तो सबके पास क्या है, एक एक है, मतलब सब हाफ फिल है, लेकिन एक्सेप्ट दिस, मतलब एस ब्लॉक को, सो एस ऑर्बिटल को छोड़ के, जो पी 3 होता है, डी 5 होता है और एफ 7 होता है ना, ऐसा वाला कॉन्फ़िगरेशन को क्या बोला जाता है, हाफ फिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। व्हाट इज दैट, पी 3 डी एफ डी 5 एंड एफ 7, ओके। एंड दिस टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन इज कंसिडर एज स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ओके, एंड नाउ फिल अप इट, नाउ फिल इट अप, ओके, फिल इट अप। मैंने सबके पास एक एक करके इलेक्ट्रॉन फिर से दे दिया, तो ये क्या बन गया, पी 6 पी डी 10 एफ 14, एंड इसमें भी और दे दो, ये क्या हो गया, एस 2। तो देखो, अभी पूरा ऑर्बिटल क्या हो गया, फिल अप हो गया, एंड दिस टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन इज ऑल्सो कंसिडर एज फुल्ली फिल कॉन्फ़िगरेशन। तो व्हाट इज फुल्ली फिल कॉन्फ़िगरेशन, एस 2 पी 6 डी 10 एंड एफ 14, ओके। सो यू नीड टू रिमेंबर दिस हाफ फिल एंड फुल्ली फिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज वेरी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। और यहाँ से अगर तुम एक मतलब इलेक्ट्रॉन रिमूव करना चाहोगे, इट विल टेक ए लार्जर अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, ओके, याद रह जाएगा। तो इसको भी पॉइंट लगा के लिख लो, व्हेन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज स्टेबल, दैट मीन्स हाफ फिल और फुल्ली फिल, दैट इन दैट केस वी ऑल्सो टेक ए लार्जर अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो ये था हम लोगों का फैक्टर नंबर 3। तो नाउ विल चेक फैक्टर नंबर 4। व्हाट इज फैक्टर नंबर 4, यस, व्हाट इज फैक्टर नंबर 4, राइट, पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ओके। देखो, हम लोग को क्या पता है, एस पी डी और एफ, मैंने लास्ट लेसन में भी बताया था, ये जो एस ऑर्बिटल होता है उसका शेप कैसा था, ऐसा करके स्फेरिकल था, मतलब ये पूरा चारों ओर रहता है, मतलब एक बाउंड्री वाल जैसा फैला हुआ। लेकिन ये जो पी है ना, ये लिटिल बिट क्या है, मतलब फैला हुआ, थोड़ा खुला है। लेकिन डी जो है ना, ये और भी खुला है, देखो इसमें ये डबल होता है, और ये जो एफ होता है ना, ये कॉम्प्लेक्स होता है, मतलब कॉम्प्लेक्स मतलब पूरा ऐसे ऐसे करके फैला रहेगा, कैसा है हम लोग नहीं जानते, दिस इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स, जस्ट ऐसे करके ले लो, दिस इज़ वेरी, मतलब बहुत ही फैला हुआ है, ओके, दिस इज़ नॉट द एग्जैक्ट शेप, आई एम टेलिंग यू अगेन, जस्ट कंसिडर इट। मतलब ये जो एस पी डी ऑर्बिटल होता है ना, जो एस ऑर्बिटल होगा उससे इलेक्ट्रॉन लेना बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लोज रहता है, ठीक है, मतलब बहुत। तो व्हाट इज, मतलब अगर तुम्हें एग्जाम में क्वेश्चन आ गया से एस पी डी एफ,
कौन सा ऑर्बिटल से यू कैन इजीली टेक इलेक्ट्रॉन, तो मतलब कहाँ पे एनर्जी सबसे ज़्यादा लगेगा, एस में सबसे ज़्यादा, उसके बाद पी, उसके बाद डी और उसके बाद एफ। ठीक है, तो ये याद रखना है, मतलब इसका पेनिट्रेशन पावर सबसे ज़्यादा होगा। ओके, अगर तुम्हें क्वेश्चन आ गया सपोज 3s एंड 3p एंड 3d, ओके, ये तीन ऑर्बिटल से सबसे ज़्यादा एनर्जी कहाँ में लगेगा टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन, तो ऑब्वियसली यू नीड टू राइट 3s, क्योंकि s ऑर्बिटल का पेनिट्रेशन, मतलब जो पेनिट्रेशन पावर सबसे ज़्यादा है। ओके, आई थिंक यू गॉट इट, तो इसको भी वीडियो को पॉज मार के लिख लेना, हो गया। तो चलो, ये जो हम लोग ने जितना फैक्टर्स देख लिया, ठीक है, अभी हम लोग क्या देखेंगे, हाउ दिस आयनाइजेशन एनर्जी फेरीज इन द प्रेडिक्टेबल, मतलब प्रेडिक्टेबल में लेफ्ट टू राइट, ऊपर से नीचे तक कैसे ये वेरी करते रहते हैं, होगा। तो चलो लिखो, वेरिएशन, राइट द टॉपिक, वेरिएशन ऑफ, किसका वेरिएशन, ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी इन द प्रेडिक्टेबल, प्रेडिक्टेबल में इन लोगों का वेरिएशन हम लोग देखेंगे, होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, अलोंग द पीरियड, एक पीरियड में इन लोगों का वेरिएशन कैसे होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज पीरियड टू में क्या है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। ठीक है, हो गया। ओके, तो हम लोग को क्या पता है, व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जब भी हम लोग लेफ्ट टू राइट जाता है अलोंग ए पीरियड, क्या होता है, मैंने बताया एटॉमिक साइज क्या होता है, एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, न्यूक्लियर चार्ज, थोड़ा देर पहले पढ़ा, रिवाइज करो, क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा। ठीक है, अगर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा, तो ऑब्वियसली आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगा, क्योंकि क्या पता था हम लोग को, एटॉमिक साइज इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी, और न्यूक्लियर चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी, मतलब अगर न्यूक्लियर साइज भी बढ़ रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या बढ़ेगा, तो वेरी इजी। तो ये है नॉर्मल ट्रेंड, दिस इज द जनरल ट्रेंड, मैंने पहले भी बताया केमिस्ट्री में जो दिखता है वो कभी कभी होता भी नहीं है। ठीक है, इसलिए उस बात को ये भी याद रखना है, तो कहाँ कहाँ वो जो दिखता है वो नहीं होता है वो हम लोग देखेंगे, लेकिन फॉर नॉर्मल ट्रेंड यू कैन रिमेम्बर दिस। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे अलोंग द ग्रुप। ठीक है, मतलब टॉप टू बॉटम, मतलब ऊपर से नीचे तक कैसे ये बेरी करेगा, विल चेक दैट। ओके, तो कोई भी एक ग्रुप ले लो, कौन सा ग्रुप याद आ रहा है, ग्रुप नंबर 1। यस, तो ग्रुप नंबर 1 में क्या क्या एलिमेंट्स है, मैं ये ऊपर में लिखूंगा, तुम लोग ऊपर में लिख लेना, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, या हाइड्रोजन को छोड़ो बिकॉज हाइड्रोजन इज ए नॉन मेटल, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, हो गया। हम लोग ये चार ले लिया, सपोज हाइड्रोजन भी ले सकते, उसको प्रॉब्लम नहीं है। ऊपर से जब हम लोग नीचे जाएंगे क्या होगा, इन लोगों का साइज, एटॉमिक साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा, साइज इंक्रीज होगा, और हम लोग को क्या पता है, जब साइज इंक्रीज होता है तब आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होता है, दैट दिस इंडिकेट्स वी कैन रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस एलिमेंट्स वेरी इजीली, मतलब जब भी हम लोग हाइड्रोजन से नीचे सीजियम तक आएंगे ना, तो ये सीजियम का मतलब ये वेरी इजीली इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट करेगा। ठीक है, तो बहुत ईजी था, अलॉन्ग द ग्रुप होगा। तो चलो हम लोग अभी ना इसको पूरा डिटेल्स में पढ़ते हैं, इन डिटेल्स,
मतलब सबका डीएनए एनालाइज करेंगे, किसका क्या क्या होता है, क्यों होता है, ठीक है। क्योंकि हम लोगों को पता है केमिस्ट्री में क्या होता है, एक्सेप्शन भी होता है, तो कहाँ कहाँ क्या क्या एक्सेप्शन है वो हम लोग देखेंगे। तो इसके लिए हम लोग प्रथम सबसे फास्ट क्या पढ़ेंगे, पीरियड वन। और पीरियड वन देखो, पीरियड वन में क्या क्या है, हाइड्रोजन है और यहाँ पे है हीलियम, हाइड्रोजन एंड हीलियम। इसका एटॉमिक नंबर कितना है 1, इसका एटॉमिक नंबर कितना है 2। ओके, तो बोलो कौन बोलेगा मुझे किसका आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगा। देखो हम लोगों को क्या पता है, फ्रॉम दिस टू दिस, मतलब फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इन लोगों का क्या होता है, साइज डिक्रीज होता है। तो साइज डिक्रीज होने से क्या होता है, उन लोगों का एटॉमिक रेडियस भी क्या होगा, सॉरी उन लोगों का आयनाइज एनर्जी भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ओके, तो मोर ओवर यू नीड टू रिमेंबर ये क्या है, हीलियम है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है 1s2, मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी क्या है, बहुत स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है। तो हमेशा याद रखना है, इन द प्रेडिक्टेबल हीलियम हैज द हाइएस्ट, इस प्रेडिक्टेबल में हीलियम का सबसे हाइएस्ट क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग ने पेरियड टेबल में क्या देखा, ऐसा करके इस साइड में आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो रहा है और ऊपर से नीचे में आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, मतलब इस साइड में जो एलिमेंट रहेगा उसका आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा रहेगा। तो वो भी एक रीज़न है। और सेकेंड रीज़न क्या है, दिस इज ए नोबल गैस, और नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमेशा क्या होता है, स्टेबल होता है। और अगर कोई भी एलिमेंट एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है सो डेफिनेटली वहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। ओके, अभी हम लोग ये जो पढ़ेंगे ना पीरियड टू, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पीरियड है, और यहाँ से हर साल क्वेश्चन आता है। नीट 2019 का क्वेश्चन भी अगर तुम लोग उठाओगे ना, नीट 2019, वहाँ पे भी यहाँ से एक 4 मार्क का एक सुंदर सा इजी सा क्वेश्चन आ गया था, ठीक है। और ऐसा करके और भी बहुत सारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस पीरियड टू से क्वेश्चन आते रहता है। तो चलो पीरियड टू में क्या क्या एलिमेंट है जल्दी जल्दी बताओ, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ठीक है। तो बताओ इन लोगों का आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड कैसा होगा, मतलब वेरी इजी लग रहा है ना सर, ये भी कोई क्या कोई क्वेश्चन है क्या? हम लोगों को तो पता है जब हम लोग क्या करते हैं लेफ्ट टू राइट जाते रहते हैं तब क्या होता है, उन लोगों का न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होते रहेगा, और इसके लिए उन लोगों का आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखना है, केमिस्ट्री में जो दिखता है वो होता नहीं है कभी कभी। तो चलो इसके लिए हम लोग क्या देखेंगे, इन लोगों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। देखो इसका क्या होगा, 1s, इसका क्या कितना है 4 है, इसका है 5 6 7 8 9 10, ओके, इसका क्या है 3, इसका है 4 5 6 7 8 9, ये हो गया 10। ओके, तो क्या होगा 1s2 2s1, इसका क्या होगा 1s2 2s2, इसका क्या होगा हम लोग लास्ट में देखेंगे। देखो वन लास्ट में देखो 2s2 2p1, इसका क्या होगा 2s2 2p2, इसका क्या होगा 2s2 2p3, ऑक्सीजन का 2s2 2p4, फ्लोरीन का 2s2 2p5, और नियॉन का 2s2 2p6। ओके, देखो नॉर्मली क्या होना चाहिए था, इस साइड में जा रहा है इस साइड में जा रहा है, तो इन लोगों का एटॉमिक रेडियस छोटा हो रहा है, लेकिन चार्ज ज़्यादा हो रहा है इसलिए इन लोगों का आयनाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा होना चाहिए था। लेकिन इसमें दो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम क्या है देखो, ये जो यहाँ पे जो एस ऑर्बिटल है ना बेरियम का, ये क्या है फुल्ली फील्ड है, दिस इज फुल्ली फील्ड, ये फुल्ली फील्ड है,
ठीक है, देखा अच्छे से। और ये जो नाइट्रोजन का है ना, देखो नाइट्रोजन का जो है, नाइट्रोजन इसमें क्या है, पी थ्री है, मतलब पी थ्री ये क्या है, हाफ फिल है, ये क्या है, हाफ फिल है, होगा। तो इसलिए एक बात याद रखना है, जब भी फुल्ली फिल और हाफ फिल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आएगा, इन लोगों का आयनेशन एनर्जी इसका जो नेक्स्ट होगा उससे ज़्यादा होगा, मतलब ये यहाँ पे आ जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा, बहुत दूर में नहीं जाएगा, सिर्फ एक ही एलिमेंट मतलब आगे जाएगा। तो ठीक उसी, उसके लिए हमेशा याद रखना है, द फास्ट आयनेशन एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन इज मोर लेस देन नाइट्रोजन, मतलब ऑक्सीजन का यहाँ पे आ जाएगा, नाइट्रोजन का आगे जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे नाइट्रोजन में क्या है, 1, 2, 3, मतलब ये हाफ फिल इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन है, लेकिन ऑक्सीजन में अगर देखोगे क्या है, 1, 2, 3, 4, देखो इसमें एक ये स्टेबल नहीं है ना, तो जो स्टेबल नहीं है तो उससे हम लोग इजीली क्या कर सकते हैं, इजीली ले सकते हैं, ठीक है। इसका इसका एक मतलब एक नॉर्मल एग्जांपल में देता हूँ, सपोज तुम लोग एक घर में मतलब तीन भाई है, क्या है, एक्स वाई और जेड, ठीक है। अगर ये तीनों भाई पूरा मिलके रह रहा है, ठीक है, तो उसमें कोई दूसरा लोग आके उस घर में झगड़ा लगा पाएगा क्या, मतलब किसी एक भाई को मार पाएगा नहीं ना, एक भाई को मारने जाएगा तो दो भाई और जाके उन लोग को मार के आएगा, ठीक है नहीं। लेकिन क्या हो रहा है, ये खुद भाई भाई लोगों के बीच में क्या है, मतलब इतना मिला प्रीति नहीं है, ठीक है। तो क्या कर सकता है, इजीली किसी एक भाई को आके पूरा मार धुलाई देके जा सकता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, मैं ये बोलना चाहता हूँ, हम लोग मिलके रहना चाहिए, तभी क्या रहते हैं हम लोगों को स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है, ठीक है। ठीक ठीक उसी को केमिस्ट्री में भी अप्लाई कर सकते हो, अगर ये हाफ फिल है मतलब ये स्टेबल है, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन लेने में थोड़ा दिक्कत होगा, यू हैव टू अप्लाई मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो अभी बताओ, तो व्हाट विल बी द करेक्ट ट्रेंड ऑफ दिस, मतलब इन लोगों का सही क्या होगा, तो सही क्या होगा, लिथियम, उसके बाद आ जाएगा बोरॉन, उसके बाद आ जाएगा बेरिलियम, उसके बाद आ जाएगा कार्बन, कार्बन के बाद ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद फ्लोरीन, उसके बाद नियॉन, ठीक है। इसको याद रखना है, बहुत इजी था, और ये क्वेश्चन जनरली आते रहता है, ठीक है, गॉट इट। चलो हम लोग पीरियड थ्री के लिए भी देखते हैं, पीरियड थ्री के लिए भी सेम ही है, मैं बार बार बोलते नहीं जाऊंगा, यू हैव टू राइट द इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट आई विल राइट इन दिस बोर्ड, ओके। तो ठीक उसी तरफ क्या होगा, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के बाद क्या होता है, सिलिकॉन, फॉस्फरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, तो कौन बताएगा, व्हाट विल बी द करेक्ट ट्रेंड, व्हाट विल बी द करेक्ट ट्रेंड, यस सेम सेम, देखो इसमें क्या है, H2 है, इसमें क्या है, P3 है कि नहीं, तो इसलिए फॉस्फोरस आगे आ जाएगा, ये बाद में जाएगा, ठीक है, सॉरी ये तो यहाँ पे रहेगा, सल्फर आगे आएगा, फॉस्फोरस बाद में जाएगा, क्योंकि ये P4 है, आई थिंक यू गॉट इट, ओके। तो व्हाट विल बी द रियल ट्रेंड, सोडियम, उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद सल्फर, उसके बाद फॉस्फोरस, देन क्लोरीन, देन आर्गन, ओके, दिस टू आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट, सो ट्राई टू रिमेंबर दिस, गॉट इट, ओके। चलो अभी हम लोग क्या देखते हैं, सम एक्सेप्शन इन केस ऑफ पीरियड, पीरियड में क्या होता है वो देखेंगे, ओके तो लिख लिया, 1, 2, 3। चलो अभी हम लोग चेक करते हैं इन ग्रुप नंबर 1, तो ग्रुप नंबर 1 में क्या क्या एलिमेंट था, कौन बताएगा मुझे, व्हाट वेयर द एलिमेंट प्रेजेंट इन ग्रुप नंबर 1, क्या बताया था मैंने, हेलिना की रब से फरियाद, ठीक है, हेलिना की रब से फरियाद। लेकिन याद रखना है, ये जो फ्रेंशियम होता है ना, दिस इज ए, दिस फ्रेंशियम इज ए रेडियोएक्टिव एलिमेंट, तो इसलिए हम लोग इसको कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि रेडियोएक्टिव एलिमेंट का न्यूक्लियस बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होता है, और एक्चुअली ये जो हाइड्रोजन होता है ना, ये हाइड्रोजन का भी एग्जैक्ट पोजिशन ग्रुप 1 नहीं है, इसलिए जो नया वाला मॉडर्न पीरियडिक टेबल देखोगे ना, देखो तो हाइड्रोजन को ऊपर में अलग करके रखा है, क्योंकि ये सारे लोग क्या है, मेटल्स है, लेकिन दिस हाइड्रोजन इज नॉट ए मेटल, दिस इज ए नॉन मेटल, तो हम लोग ये चारों में ही कंपेयर करेंगे, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल,
ट्रेन विल मूव फ्रॉम दिस टॉप टू बॉटम देयर साइज विल इंक्रीज, ये सबको पता है क्योंकि नंबर ऑफ सेल इंक्रीजिंग इसलिए साइज भी इंक्रीज हो रहा है। और हम लोगों को क्या पता है, अगर साइज ज़्यादा हो रहा है तो साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, इलेक्ट्रॉनिक आयनाइजेशन एनर्जी, मतलब व्हेन विल मूव डाउन द ग्रुप इन लोगों का आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, सबसे कम होते रहेगा। तो जस्ट रिमेंबर इन द होल प्रेडिक्टेबल सीजियम हैज द लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी। मतलब देखो, इस साइड में इंक्रीज होते जा रहा है, इस साइड में डिक्रीज होता जा रहा है, मतलब इस साइड में भी इंक्रीज होते जा रहा है। तो ये कॉर्नर में मतलब फ्रेंडशिप का होना चाहिए था, फ्रेंडशिप भी और भी नीचे है, लेकिन फ्रेंडशिप इज ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट, सो वी विल कंसिडर दिस सीजियम। एंड यू नीड टू रिमेंबर दिस सीजियम हैव द लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी इन द होल प्रेडिक्टेबल, याद रहेगा? यस, याद रहना ही पड़ेगा। ओके चलो अभी हम लोग ग्रुप टू में देखते हैं, ये था ग्रुप वन में। तो ग्रुप टू में क्या क्या था जल्दी जल्दी बताओ, बेटा, मंगे, कन्ना, सुंदरी, बाप क्या हो गया, राजी हो गया। ओके इतना जल्दी करना मांगना नहीं चाहिए, ठीक है? तो चलो, ये रेडियोएक्टिव, ये रेडियम क्या था, रेडियोएक्टिव था तो मैंने इसको भी हटा दिया। तो ये बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, तो भी बताओ इजी है। नीचे के ओर क्या हो रहा है, इन लोगों का साइज इंक्रीज हो रहा है, अगर साइज इंक्रीज हो रहा है मतलब इन लोगों का आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज होगा। ओके लेकिन अगर हमें कंपेयर करने दिया क्या सीजियम और बेरियम का, देखो दोनों सेम पीरियड में है, कौन बताएगा किसका आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगा, बेरियम का ज़्यादा होगा क्योंकि इस साइड जाने से साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। ओके गॉट इट, लिख लो, लिख लिया। ओके लेकिन ग्रुप 13 और ग्रुप 14 में थोड़ा क्या है, गुलमाल है, हम लोग वो गुलमाल देखेंगे, क्या गुलमाल है उसमें। तो ग्रुप 13 जल्दी बताओ, ग्रुप 13 में क्या क्या एलिमेंट था, ग्रुप 13 कौन बताएगा, यस इट इज बैगना, आलू, गाजर इन थैला। कहाँ पे क्या था, थैला में बैगन, बैंगन, आलू और गाजर था, ठीक है। तो नॉर्मली क्या होना चाहिए, व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप इन लोगों का साइज क्या होता है, ज़्यादा होते रहता है, तो उसी हिसाब से इन लोगों का आयनाइजेशन एनर्जी क्या होना चाहिए था, डिक्रीज होते जाना चाहिए था। मतलब सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी बोरॉन का होना चाहिए था, उसके बाद एल्यूमिनियम का होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो हम लोगों का एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या था, एक्सपेक्टेड था बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थेलियम, लेकिन केमिस्ट्री में जो दिखता है वो होता नहीं है, तो दिस इज नॉट द करेक्ट। तो व्हाट इज द करेक्ट, तो करेक्ट वन को जानने के लिए हम लोग विल अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ ए ग्राफ। सपोज ये ग्राफ ले लो, ठीक है, दिस इज ए ग्राफ, यहाँ पे क्या ले लो, बोरॉन, यहाँ पे हो गया एल्यूमिनियम, ये हो गया गैलियम, ये हो गया इंडियम और ये हो गया थेलियम। क्या है, दिस इज बोरॉन, ये हो गया एल्यूमिनियम, ये हो गया गैलियम, इसको और भी थोड़ा नीचे दे दो तो ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगा, इंडियम और ये हो गया थेलियम। तो अगर तुम लोग वैल्यू देखोगे ना, वैल्यू चेक करोगे ना, यू चेक द वैल्यू, देखो सबसे ज़्यादा वैल्यू किसका आ रहा है, सबसे ज़्यादा वैल्यू बोरॉन का आ रहा है, उसके बाद किसका, थेलियम का आ रहा है, उसके बाद किसका आ रहा है, गैलियम का आ रहा है, उसके बाद एल्यूमिनियम का और उसके बाद इंडियम का, ठीक है। तो दिस इज द करेक्ट ट्रेंड, बोरॉन, एल्यूमिनियम, बोरॉन, थेलियम, गैलियम, इंडियम एंड एल्यूमिनियम एंड इंडियम। तो इसको याद कैसे रखोगे, इसको याद रखने का तरीका मैं बता देता हूँ। सपोज इसको नंबर वन, इसको टू, इसको थ्री, इसको फोर, इसको फाइव दे दो, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या आया, बोरॉन, बोरॉन का नंबर कितना है, बोरॉन का नंबर है वन, थेलियम का नंबर कितना है फाइव, उसके बाद गैलियम का नंबर कितना है थ्री,
ओके, एल्यूमिनियम का नंबर 2 और इंडियम का नंबर कितना है 4। तो ये नंबर को याद रखो, इजीली याद रख सकते हो, ठीक है। 1515324 15324, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट क्योंकि ये JEE में बहुत बार आ चुका है, ठीक है। 15324, दिस इज द करेक्ट ट्रेंड फॉर ग्रुप 13, 15324। तो तुम मुझे बता सकते हो सर ये कैसे हो गया, मतलब ये उल्टा पुल्टा क्यों हो गया, ठीक है। मैंने तुम लोगों को लास्ट का लेसन में क्या बताया था, लेंथानॉइड कंट्रैक्शन, ठीक है। लेंथानॉइड कंट्रैक्शन मतलब जो सडनली क्या होता है, साइज डिक्रीज होते रहते हैं लेंथानॉइड में, इसलिए इन लोगों का साइज और शेप में कुछ गड़बड़ आ जाता है, ठीक है। तो जनरली ये जो गैलियम का साइज छोटा हो गया ना, ये गैलियम का साइज, दिस इज ड्यू टू ट्रांजिशन कंट्रैक्शन, मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट आता है इसका आगे में और ट्रांजिशन एलिमेंट के वजह से उन लोगों के बीच में एक थोड़ा सा गैप होते रहे। ओके, सो यू डोंट नीड सच टाइप ऑफ एक्सप्लेनेशन, जस्ट रिमेंबर दिस 15324, ठीक है, फॉर ग्रुप 13। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो लोग डॉक्टर और इंजीनियर बनने चाहते हो, ठीक है। वीडियो लंबा होते जा रहा है, बहुत लोग भाग के भी गया होगा, लेकिन उपाय नहीं है, जो लोग वीडियो एंड तक देखेगा उन लोगों को ही कुछ सीखने को मिलेगा, नहीं तो कोचिंग लेके कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो चलो अभी हम लोग ग्रुप 14 को एनालाइज करते हैं। ग्रुप 14 मैं डैम श्योर बोल के बोल रहा हूँ, अगर जो ये वीडियो देख रहे हैं एंड तक देख रहे हैं ना, उनको क्लास 12 में फिजिक्स भात के साथ पानी खाने में जितना इजी, देखो तुम कुछ खाना खा लिया, खाना खाने के बाद पानी पी लेते हो, कुछ प्रॉब्लम होता है क्या ना, बहुत इजी प्रॉब्लम है, सॉरी बहुत इजी लगता है, ठीक। उसी तरह अगर तुम क्लास 11 में ये मैं जो पढ़ा रहा हूँ ये ढंग से पढ़ लिया ना, तो क्लास 12 में जाके केमिस्ट्री से लगे ये क्या है सर, आप बैठ के बैठे रहे, मैं खुद ही पढ़ लूँगा, इतना इजी है, सच में बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ, बिलीव मी। अगर तुम्हें प्रेडिक्टेबल का पूरा मतलब उन लोगों का खुफिया खुफिया चीज़ याद आ गया होगा ना, मतलब समझ में आ गया होगा ना, स्पेशली व्हाट योर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम्हारे मुट्ठी में हो जाएगा, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अपने मुट्ठी में लेने के लिए क्या करो, वीडियो को देखते जाओ, लिखते जाओ और लाइक करते जाओ, ठीक है। वो लाइक नहीं करने से बेकार, ऐसे ही बोला। चलो अभी ग्रुप 14, ग्रुप 14 में क्या होता है, केमिस्ट्री सर गिव सम प्रॉब्लम, कहे शिव जी सुने पार्वती, ठीक है। तो इसमें नॉर्मली तो क्या होना चाहिए था, ऐसा करके सेम साइज ज़्यादा हो रहा है तो इन लोगों का क्या होगा, हाइनेशन एनर्जी भी क्या होगा, कम होगा। तो लेकिन इसमें एक ही मतलब प्रॉब्लम है, ये लीड का ज़्यादा मतलब ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू टीन, तो इसके लिए इसको याद रखो, मतलब जो ये होगा कार्बन, उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद जर्मेनियम, उसके बाद लीड, उसके बाद टीन, लेकिन ठीक है इसको भी याद रखना है, ये भी कई बार JEE और नीट में पूछा गया है, ठीक है। आई थिंक यू गॉट इट, हो गया, ओके। चलो अभी हम लोग क्या करते हैं, कुछ कंपेयर करते हैं, कंपैरिजन लिख लिया, 1 2 3 लिख लिया, ओके। चलो अभी हम लोग कुछ कंपैरिजन करते हैं, किसके किसके बीच में कंपैरिजन करेंगे, विल कंपैरिजन बिटवीन, लिखो कंपैरिजन बिटवीन I1 and I2, किसका किसका, सबसे पहले देखेंगे विल कंपेयर बिटवीन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है 8, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है 7, तो इसका लिखो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन लिखो 1s2 2s2 2p4, इसका कितना है 1s2 2s2 2p3, तो लिखने से कैसा होगा 2s मतलब 1 2, इसमें है 2p3 मतलब 1 2 3, हो गया, ओके। इसका देखो ये हो गया 2s और ये हो गया 2p, 1 2 3। सपोज तुम इससे यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना चाहते हो, तो यहाँ से अगर एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना चाहोगे, देखो ये क्या है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, स्टेबल है। तो अगर जो यहाँ का जो फास्ट आयनाइजेशन एनर्जी होगा ना,
इसका और इसका फास्ट आयनाइजेशन एनर्जी, ये वन इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगा, 2s2 2p3 हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, 2s2 2p2। लेकिन देखो ये क्या था, स्टेबल था, स्टेबल से एक रिमूव करके हम लोग ये बना रहा हो, इसीलिए द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन, फास्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन फास्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन। समझ में आ गया, समझ में आ गया, ओके। तो चलो अभी हम लोग क्या करते हैं, अगर यहाँ से फिर से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना चाहोगे तो क्या होगा, 2s2 2p2, मतलब ये क्या है, p3 है, और p3 क्या होता है, स्टेबल होता है। तो ये जो आयनाइजेशन एनर्जी 2 होगा ना, और यहाँ से अगर तुम क्या करोगे, एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना चाहोगे तो ये क्या हो जाएगा, i2। तो अभी अगर तुम कंपेयर करना चाहते हो द i2 ऑफ नाइट्रोजन एंड i2 ऑफ ऑक्सीजन, किसका बड़ा होगा, देखो ये स्टेबल था, ये नॉट स्टेबल था, तो ऑब्वियसली इसका ज़्यादा होगा। तो यहाँ से भी हर साल बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते रहता है, बोर्ड एग्जाम और नीट CEE JEE में तो आते रहता है, ठीक है। तो इसके लिए इस पॉइंट को भी अच्छे से ढंग से लिख लो, 1 2 3 लिख लिया, ओके। तो चलो भाई हम लोग और भी एक कंपैरिजन करेंगे, ये कंपैरिजन बिटवीन किसका इसका था, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। नाउ विल कंपेयर बिटवीन क्रोमियम एंड जिंक। क्रोमियम, देखो क्रोमियम एंड मैंगनीज, क्रोमियम का कितना है 24, और मैंगनीज का करेंगे मैंगनीज 25। मैं इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा, आई थिंक सबको पूरा कॉन्फ़िगरेशन आता होगा, क्या है 4s1 3d5, सबका गलत होता है, यहाँ पे क्या होना चाहिए 4s2 3d4, लेकिन हम लोग क्या करते हैं वहाँ से यहाँ पे दे देते हैं, क्यों दे देते हैं, टू मेक दिस ऑर्बिटल स्टेबल। इसका क्या होगा, सेम 4s2 3d5, ओके। तो अगर तुम लोग बॉक्स में देखोगे यह है 4s, ये क्या है 3d, ओके। तो 1 2 3 4, और ये हो गया, सॉरी 3d ना, डी में पास होता है ना ये, 1 5 हो गया। चलो अभी बताओ, यू वांट टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हियर, तो इसके लिए जो एनर्जी चाहिएगा उसको क्या बोलेगा, i1, ओके। तो फर्स्ट टेल मी, इलेक्ट्रॉन कहाँ से रिमूव होगा, 4s से और 3d से, जल्दी जल्दी बताओ कहाँ से होगा, 4s से और 3d से। हमेशा यह देखना, इलेक्ट्रॉन हमेशा जो आउटर शेल होगा ना, जो इलेक्ट्रॉन लोजली बॉन्डेड होता है वहाँ से रिमूव होता है। तो यहाँ पे जो 4s है ये 3d से बाहर है, मतलब इलेक्ट्रॉन विल बी रिमूव फ्रॉम 4s। तो यहाँ से जो फास्ट इलेक्ट्रॉन ये इजीली क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, मतलब इसका एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो अगर तुम क्या कर सकते हो, 4s0 से 3d5 बनाना चाहोगे तो जो एनर्जी होगा ये i होगा, और ये इतना हाईफाई नहीं होगा, मतलब ज़्यादा नहीं होगा, ओके। लेकिन इसका देखो 1 2 3 4 5, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो i1 होगा, इसका i1, ये देखिए क्या है, स्टेबल है, फुल्ली फिल है। तो मतलब 4s1 3d5 बनाने के लिए फ्रॉम दिस जो एनर्जी चाहिए होगा, किसका ज़्यादा होगा, तो लिख लो i1 ऑफ मैंगनीज इज मोर देन आयनाइजेशन एनर्जी 1 ऑफ क्रोमियम, ठीक है। चलो समझ में आ गया सबको, ओके। अभी तुम क्या करना चाहते हो, यहाँ से और भी एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना चाहते हो, तो उसके लिए क्या चाहिए, i2 फिर से एनर्जी देना पड़ेगा। उसके बाद क्या होगा, 4s0 3d4, मतलब देखो ये 3d5 है, मतलब ये स्टेबल था, ओके। लेकिन अभी अगर तुम यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना चाहते हो तो यहाँ पे s में अभी भी किया है, इलेक्ट्रॉन खाली है, तो इसके लिए जो i2 लगेगा ये एज़ कम्पेयर टू क्रोमियम से कम लगेगा। तो तब उसके बाद क्या बनेगा, 4s2 3d5। तो इसके लिए तुम कंपेयर कर सकते हो व्हाट, i2 ऑफ क्रोमियम इज मोर देन
Ai2 ऑफ मैंगनीज। समझ में आ गया? अगर आ गया तो तुम लोग खुद घर में एज ए होमवर्क क्या कंपेयर करना है, फास्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ कॉपर एंड जिंक, कॉपर एंड जिंक का कंपेयर करना है, ठीक है? अगर कर पाओगे उसके बाद उसको कमेंट सेक्शन में लिखना किसका ज़्यादा होगा। उठा लिया, हो गया, ओके। तो चलो हम लोग इसको रैप कर देते हैं। उसके बाद हम लोग सिर्फ छोटा छोटा दो यूज़ देखेंगे। हम लोग क्या पढ़ा, आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ा, इसका पढ़ के क्या फ़ायदा है, क्यों पढ़ रहा हूँ हम लोग इसको, ठीक है? कोई भी चीज़ अगर हम लोग सीख रहे हैं उसका तो कुछ तो बेनिफिट होना पड़ेगा ना। तो व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ लर्निंग आयनाइजेशन एनर्जी, तो राइट व्हाट यू नीड टू राइट, राइट यूज़, ठीक है? तो यूज़ क्या है, मैं पॉइंट वाइज नहीं लिखाऊंगा, बस मैं दिखाऊंगा। देखो, व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम इन द पीरियडिक टेबल, क्या हो रहा था, आयनाइजेशन एनर्जी इस साइड में इंक्रीज हो रहा था, मतलब ज़्यादा एनर्जी लग रहा था इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए, ठीक है? और जब भी हम लोग ऊपर से नीचे आ रहा था तब क्या लग रहा था, ये ज़्यादा एनर्जी नहीं लग रहा था, ये इजीली इलेक्ट्रॉन दे रहा था, ओके। तो फास्ट यूनिट टू रिमेंबर, जिनको एनर्जी जो क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी जिसका जो क्या होता है कम होता है, उसको इलेक्ट्रॉन इजीली देता है, इलेक्ट्रॉन गिव्स इजीली, वो इजीली क्या देगा, इलेक्ट्रॉन देगा। और जो इजीली इलेक्ट्रॉन देगा दे आर गुड मेटल, मतलब उन लोगों का मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है? मेटेलिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा, याद रखना है, ओके। सेकेंड पॉइंट यू नीड टू रिमेंबर, जहाँ क्या आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा लग रहा है वो लोग इलेक्ट्रॉन गिव नॉट इजीली नहीं देता है, मतलब उन लोगों का नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा, ठीक है? नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा, समझ में आ गया? तो फ्रॉम दिस व्हाट कैन यू राइट इन ए प्रेडिक्टेबल, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट लेफ्ट राइट क्या होता है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ज़्यादा होता है, ओके। और टॉप टू बॉटम मतलब ऊपर से नीचे तक, ठीक है, मेटेलिक कैरेक्टर ज़्यादा होता है, ठीक है, ओके। इतना समझ में आ गया होगा। तो मुझे बताओ लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन ये हो गए नियॉन। तो समझे पता, ये जो देखो इस साइड से जब इस साइड में जाओगे ना, इन लोगों का क्या हो रहा है, आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा हो रहा है, दैट मीन्स इन लोगों का मेटेलिक कैरेक्टर भी डिक्रीज हो रहा है। और प्रूव करके दिखा रहा हूँ, ये जो लिथियम ये क्या है, अल्कलाइन मेटल है, अल्कलाइन अर्थ मेटल है, ये बोरॉन मेटेलाइड है, और ये लाहे क्या हो रहा है, नॉन मेटल बन रहा है, मतलब फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, ओके। और अगर यहाँ पे देखोगे लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबेडियम सीजियम ये लोग क्या रहे, क्या दे रहे, ऊपर से नीचे तक इजीली क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मतलब आयनाइजेशन एनर्जी कम हो रहा है, दिस इंडिकेट इन लोगों का मेटेलिक कैरेक्टर ऊपर से नीचे तक ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, ओके। तो ये मेटेलिक कैरेक्टर और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर के साथ हम लोगों को और एक चीज़ हम लोग क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं, वो क्या है, देखो ये जो नॉन मेटल होता है ना, उन लोग जो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेगा उन लोगों का क्या होगा, एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा, मतलब व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है, उन लोगों का एसिडिक कैरेक्टर इस साइड में क्या होता रहेगा, ज़्यादा होता रहेगा, ओके। मैं समझाता हूँ क्या है, सपोज एक क्वेश्चन जेई में आया था उसको ही मैं ले लेता हूँ। सपोज क्या है, BeO, ठीक है, उसके बाद B2, सर उसके बाद ले लो सपोज N ले लो AL2 BO3
उसके बाद ले लो कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद ले लो N2O5, ठीक है, हो गया। और ले सकते हो, और भी ले लो BO, ठीक है। अरेंज देम अकॉर्डिंग टू देयर एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ। तो इसमें क्या देखोगे, सिंपली मैंने क्या बताया, जिसका मेटेलिक कैरेक्टर कम होते रहे, मतलब मोर द नॉन मेटेलिक कैरेक्टर मोर एसिडिक, अगर मेटेलिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा उसका क्या होगा, बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। तो इसमें अच्छे से देखो, ये बेरिलियम, बोरोन, कार्बन और नाइट्रोजन, ये सेकेंड पीरियड का क्या है, एलिमेंट है। और हम लोग को पता क्या है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन लोगों का नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, मतलब ये जो नाइट्रोजन है इसका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा है, और जिसका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ज़्यादा है उसका क्या है, एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगा, मतलब उन लोगों का ऑक्साइड का भी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगा, मतलब N2O5 इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, देखा, मतलब कहाँ से कहाँ लिंक कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग और भी बहुत सारा सीख सकते हैं बाई यूजिंग दिस आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। तो लास्ट में मैं एक समारी कर देता हूँ, क्योंकि ये तुम लोगों को थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग गया होगा। तो क्या रखना है, क्या रखना है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है, और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होने से क्या होता है, एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है और बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है। ओके ओके, और ऊपर से नीचे तक मतलब क्या होता है, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, मतलब जो बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, और एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज होगा। और ये किस कहाँ से हम लोग को मिला, आयनेशन एनर्जी के ऊपर से, आयनेशन एनर्जी साइड में कम होता है और आयनेशन एनर्जी इस साइड में क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है। देखा सबका कितना कितना इंटरलिंक है, होगा। तो माय डियर स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही है, बहुत पढ़ लिया, ठीक है। अगर अभी भी कुछ डाउट है, डोंट हेजिटेट टू कॉन्टेक्ट मी, ओके, पढ़ाई करते रहना और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करते रहना। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।